हाँ जी। तो दोस्तों किवें सारे? हाँ जी दोस्तों, ये जो तुसी सामने देख रहे हो ये 8 ट्रांजिस्टर वाला मोनो बोर्ड है, 8 ट्रांजिस्टर वाला मोनो बोर्ड। ते आज तुम दस दें भी की ये क्वालिटी है, की फर्क है। ते हाँ जी, तो दोस्तों जो जो दोस्त चैनल पर नवे ने, चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल एंड नोटिफिकेशन कर लो ऑन, क्योंकि थोड़े रिलेटेड घेंट घेंट नवी नवी वीडियो लैके आते रहने। हाँ जी, तो दोस्तों ये है 8 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड, मोनो बोर्ड। तो यदि मेन फिनिशिंग तो देख सकते हो, तो हीट सिंक वगैरह तो हले कसना। पहला मैं क्या चलो हीट कसन तो पहला थोड़ा A to Z के बारे नॉलेज देव। तो दोस्तों ये आ गए, तो चार इधरली साइड आ गए, तो चार इधरली साइड आ गए, 8 ट्रांजिस्टर आ गए। तो तुशीबा कंपनी के ट्रांजिस्टर ने, मॉसफेट तुशीबा कंपनी के। तो जो दो डाय चार ये डायड आ गए, दो आ गए, दो इधरली साइड आ गए, जो एसी वोल्ट जनरेट करते हैं। तो बाकी ये सप्लाई वास्ते चार मॉसफेट इधर आ गए, चार इधर आ गए सप्लाई वास्ते मॉसफेट। तो बाकी अपनी आदत है, जो भी आप बोर्ड असैम्बल करते हैं तो आरला रैड वगैरह जरूर लाने, तुम देख सकते हो तार वगैरह से आरला रैड लगी हुई, देखो कोयल वगैरह से आरला रैड लगी हुई देखो। तो कैल्ट्रॉन के कैपीसीटर ने, बाकी होर कई कंपनी के कैपीसीटर लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों कैपीसीटर का जो मेन काम होंगे वा, वो जो पावर ये जनरेट होंगी उन्होंने फिल्ट्रेशन करने वास्ते हों, ये फिल्ट्रेशन करते जो ये पावर आँगी हैगी, एसी वोल्टेज ये जनरेट होंगी वो अपने मेन बड़े ट्रांजिस्टर जाती है, जो बड़े मॉसफेटों को जनरेट होंगी है। तो बाकी PF वगैरह ये लगे हुए, तो तीन अपने क्रॉसओवर चाहिए लगे हुए हैं। तो बाकी पिछों वगैरह A to Z देखो असैम्बलिंग करी भी, शोल्डरिंग वगैरह देखो, तो बैक पर लगे हुए हैं दो फिल्टर। तो दोस्तों कई दोस्त कहते तो फिल्टर घट लाने हो तो कई चीज़ ज़्यादा लाने, तो दोस्तों फर्क यह है भी जो ये किट है, ये किट के उत्ते 185 mm के दो सबवूफर लाने हैं, मन के चलो दो सबवूफर लाने है गे, तो ज़्यादा कैपीसीटर को कोई चक्कर तो पैंदा नहीं। तो मेन दिक्कत यह है भी कैपीसीटर ला वधिया कंपनी के लो, जिदा कि यह वधिया क्वालिटी के लगे हुए, देखो कैपीसीटर बहुत हैवी कैपीसीटर 4763। तो जो बेस वगैरह पैंती है कोई दिक्कत नहीं आती इनू, तो या तो ये मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज इन्हें जनरेट होंगे है ना, जिहड़े जो फिल्टर फट जाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज जो जनरेट होंगी उन्होंने मतलब कि वह फिर फट जाते हैं, क्योंकि आप वोल्टेज ज़्यादा बना देने जो फिल्टर होंगे वो घट वोल्टेज होंगे ने, तो करके इन्हों फट जाते हैं। तो आप जमा आप 5505 से ओपरेट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सही चलूगा देखो जी। बाकी बेस वगैरह क्वालिटी तो थोनों चला के पता लगेगा भी किदा के क्वालिटी बनती है। बस डेक रेडी कर रहे हैं, तुम देख सकते हो। तो हाँ जी दोस्तों, मिलते आप अगली वीडियो थोड़े रिलेटेड इदा ही घेंट घेंट नवी नवी वीडियो लैके आते रहेंगे। बाकी जिस भी मेरे दोस्त को कोई भी नॉलेज की जरूरत होंगी आ, मैनू कॉल लगा के कदे भी पूछ सकता गा जो मर्जी, तो जिन्हें जिन्होंने लोड़ है मैनू कमेंट करके मेरा नंबर ले सकता। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 'च।